जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी में मिलने वाली सभी सुविधाओं और उनके सरकारी रेट की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो अगर आप भी माता रानी के इस अलौकिक और दिव्य दरबार में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू से कटरा तक बस का किराया कितना है, कटरा, अर्धकुमारी और भवन पर आप रूम कैसे बुक कर सकते हैं और इनके कितने चार्जेस रहते हैं, यात्रा के लिए RFID कार्ड कहां बनता है, यहां पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू के क्या रेट हैं, आपको बैटरी कार कहां से मिलेगी और इनके कितने रेट रहते हैं, रोप वे और हेलीकॉप्टर के क्या रेट्स हैं, श्राइन बोर्ड के भोजनालयों में फूड फैसिलिटीज़ आपको कैसी मिलती है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे अगर आप माता रानी के भवन में होने वाली अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो हर एक जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से पाने के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं जम्मू से कटरा तक के लिए बस कहां से मिलेंगी और बसेस का क्या किराया रहता है। दोस्तों, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बना हुआ है, यहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिलती हैं। सरकारी बस की बात करें, इस 50 किलोमीटर दूरी के लिए ऑर्डिनरी बस में ₹105 का किराया लगता है और AC 2x2 में ₹135 का और AC 1x2 में ₹150 का चार्ज लेते हैं और रास्ते में खाने पीने के लिए एक स्टॉप भी लेते हैं। वहीं प्राइवेट बसेस की बात करें तो ऑर्डिनरी बस में ₹80 का किराया लेते हैं जो रुकते रुकाते हुए जाती है। सेमी डिलक्स बस में 100 से ₹120 का चार्ज लेते हैं। दोस्तों, बहुत से सुरंगों और शानदार नज़ारों को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के दरबार कटरा में। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जैसे ही आप कटरा चौराहे पर पहुंचेंगे, सामने ही माता रानी का दरबार दिख जाएगा जो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। तो चलिए अब बात करते हैं आप कटरा, अर्धकुमारी या माता रानी के भवन के पास में रूम कैसे लेंगे और इनके क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, आपको कटरा में तो प्राइवेट होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन अर्धकुमारी और भवन के पास में आपको श्राइन बोर्ड के रूम्स ही मिलते हैं। कटरा में श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे 3-स्टार रूम्स ले सकते हैं। AC डबल बेड के चार्जेस ₹2200 और AC 4 बेडेड रूम्स के चार्जेस ₹2800 रहते हैं और एक्स्ट्रा पर्सन के लिए आपको ₹350 और देने रहते हैं। इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी शामिल रहता है, यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। वहीं निहारिका कॉम्प्लेक्स में आशीर्वाद भवन भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको डोरमेट्री फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। ₹150 पर बेड के हिसाब से आप एक बेड ले सकते हैं, साथ ही साथ कंबल और लॉकर की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा कटरा में ही शक्ति भवन और त्रिकुटा भवन भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी आपको डोरमेट्री की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ₹150 पर बेड के हिसाब से आपको चार्जेस देने रहते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पहले से ऑनलाइन इनकी बुकिंग भी कर सकते हैं। यात्रा के 2 महीने पहले सुबह 10 बजे से इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने पर यहाँ पे हाउसफुल आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अगर चाहें तो पहले से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वहीं बात करें अर्धकुमारी में रुकने की, तो यहाँ पर शारदा भवन बना हुआ है, जहाँ पर आप डबल बेडरूम 800 में ले सकते हैं। वहीं शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ₹150 पर बेड के चार्जेस में आप एक बेड भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं माता रानी के भवन के पास में रुकने की क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसके लिए भक्त हमेशा ही परेशान रहते हैं कि इसकी बुकिंग कैसे करें और इनके क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कालिका भवन और सिरदर भवन बने हुए हैं, जिसे मेन भवन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पर ₹2400 में डबल बेडरूम और 4 बेडेड रूम के लिए आपको ₹3400 का चार्ज देना रहता है। इसके अलावा भवन के पास ही वैष्णवी भवन और गौरी भवन भी बने हुए हैं, यहाँ पर डबल बेडरूम के चार्जेस ₹1100 और 4 बेडेड रूम के चार्जेस ₹1600 रहते हैं। और अगर आप 6 बेडेड रूम लेना चाहते हैं तो इसके लिए ₹2300 का चार्ज देना रहता है। और अगर आप भवन के पास में और भी सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप मनोकामना भवन में डोरमेट्री की फैसिलिटीज ले सकते हैं, इसके लिए आपको ₹150 पर बेड के हिसाब से चार्ज देना रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप अपनी यात्रा से 2 महीने पहले इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप इसकी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रूम्स बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं
इस पावन यात्रा को करने के लिए RFID कार्ड आप कहां कहां से बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो जम्मू में भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं, वैष्णवी धाम में RFID कार्ड बनता है, यहां पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ होती है। लेकिन RFID कार्ड बनवाने के बाद 6 घंटे के अंदर ही आपको ताराकोट मार्ग या बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना रहता है। तो कटरा मेन चौराहे के पास में RFID कार्ड सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा भवन और नए ताराकोट मार्ग पर भी आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और ये फ्री में बनता है। दोस्तों माता रानी के भवन तक जाने के लिए यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं, एक नया ताराकोट मार्ग और दूसरा बाणगंगा मार्ग। दोनों ही मार्ग कटरा मार्केट से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ तक आप ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 4 पर्सन के लिए 210 रुपये का फिक्स चार्ज करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े और ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं आप बाणगंगा मार्ग से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं तो इस मार्ग पर भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं घोड़े पिट्ठू और पालकी के क्या रेट रहते हैं। घोड़े वाले बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 650 रुपये और बाणगंगा मार्ग से भवन तक 1250 रुपये का चार्ज करते हैं। पालकी वाले बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 1800 रुपये और अगर आपका 100 किलो से वजन ज़्यादा है तो इसके लिए 2250 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं बाणगंगा मार्ग से हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन तक के लिए 3200 रुपये और अगर आपका 100 किलो से वजन ज़्यादा है तो इसके लिए 4000 रुपये देने रहते हैं। वहीं वॉकर और ट्रॉली की बात करें, जिसे यहाँ पर पिट्ठू भी कहते हैं, बाणगंगा मार्ग से अर्धकुमारी तक 300 रुपये और बाणगंगा मार्ग से हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन तक के लिए 500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रीपेड काउंटर भी बने हुए हैं, आप इन्हीं काउंटर से अपनी रसीद को कटवाइए। साथ ही साथ यहाँ पर सभी रेट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप रसीद कटवा कर आराम से घोड़े, पालकी या पिट्ठू के माध्यम से भवन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों दोनों ही मार्ग पर जगह जगह ठंडे और गर्म पानी की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। साथ ही साथ दोनों ही मार्ग पर बहुत ही साफ़ सुथरे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, जिसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरी भी बनी हुई हैं, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपना यहाँ पर चेकअप करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैटरी कार की। दोस्तों अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग से भवन तक लगभग 5 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर बैटरी कार की सेवा भी चलती है। अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए 354 रुपये और वापसी के लिए 256 रुपये का चार्ज देना रहता है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये सेवा चलती है। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करना रहता है। यात्रा के 2 महीने पहले आप माता रानी ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए माता रानी के प्यारे से भजन गाते और गुनगुनाते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। और अब हम लोग बात करते हैं भवन के पास में आपको कौन सी फैसिलिटीज़ फ्री में मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा भवन के पास में नहाने और फ्रेश होने के लिए घाट्स बने हुए हैं। जेंट्स और लेडीज़ के दूर दूर घाट बने हुए हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की फैसिलिटीज़ भी फ्री में मिलती है। स्काई वॉक के सामने और पार्वती भवन में लॉकर की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। आप आराम से अपना सारा सामान यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम्बल रूम से कम्बल भी ले सकते हैं। 100 रुपये पर कम्बल आपको देना रहता है। जब आप कम्बल रिटर्न करेंगे तो आपके 100 रुपये भी रिटर्न हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप भवन के पास में फ्री में भी रुकना चाहते हैं, मनोकामना भवन रोपवे टिकट काउंटर के नीचे हॉल बने हुए हैं, यहाँ पर आप फ्री में स्टे कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से एंट्री होती है और सुबह 9 बजे तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा भवन में भी बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, आप यहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हैं। चलिए बात करते हैं दर्शन की। आप आराम से लाइन में लगकर माता रानी के बहुत ही प्यारे से पिंडी रूप में दर्शन करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो माता रानी के इस पावन दरबार में दर्शन करने आए हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं भैरव मंदिर में आप दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। दोस्तों इस 2 किलोमीटर की यात्रा को आप पैदल, घोड़े या रोपवे के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले 300 से 400 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर रोपवे से जाना चाहते हैं तो मनोकामना भवन के पास में टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर रोपवे के लिए 100 रुपये पर पर्सन का टिकट रहता है, जो दोनों साइड के लिए रहता है। रोपवे सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है।
चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों अर्धकुमारी, हिमकोटी मार्ग और भवन के पास में भी बहुत से श्राइन बोर्ड के भोजनालय बने हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और कम रेट पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। आप स्क्रीन पर इनके रेट्स देख सकते हैं, तो आप आराम से यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। वहीं आप अगर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो बाणगंगा मार्ग पर गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है और ताराकोट मार्ग पर भी श्राइन बोर्ड का लंगर चलता है, जहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसके अलावा भैरव बाबा मंदिर के पास में भी लंगर चलता है। यहां पर अलग अलग टाइम पर चाय, पकौड़ी, जलेबी और भोजन मिलता है, तो आप इन पवित्र लंगर में भी भोजन जरूर करें। बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। दोस्तों अगर आप माता रानी की इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा करना चाहते हैं तो कटरा से सांझी छत तक आपको हेली सर्विस भी मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर में एक साइड का 2100 रुपये का किराया रहता है, वहीं दोनों साइड के लिए आपको 4200 रुपये का चार्ज देना रहता है। आप इसकी बुकिंग माता रानी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा से 2 महीने पहले सुबह 10 बजे से कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इसकी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो निहारिका भवन में इसकी बुकिंग होती है, लेकिन मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आपको स्लॉट मिलता भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग का सामना करना रहता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इसकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माता रानी के भवन में होने वाली अटका आरती के बारे में। दोस्तों अगर आप भवन में होने वाली अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग माता रानी ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप दुर्गा भवन में अटका आरती काउंटर से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये आरती दिन में 2 बार होती है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो गर्मियों में सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 7:20 से 8:30 बजे तक होती है। वहीं सर्दियों में सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 6:20 से 8 बजे तक होती है। इसमें शामिल होने के लिए चार्जेस भी पड़ते हैं। सिंगल पर्सन के लिए 2000 रुपये और अगर आप ग्रुप में हैं तो 4 पर्सन के लिए 5100 रुपये और साथ ही साथ आपके साथ में 9 साल तक के 2 बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो आप अगर इस पावन अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग कर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वीडियो से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने 1 लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।